आज का हमारा मुद्दा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा ये डिफ्यूजन और एफ्यूजन में अंतर क्या है। तो देखिए, अगर हम दो कंटेनर लेते हैं और दोनों को हम कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं, ये एक कंटेनर है, इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सर्टन गैस मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर ऑक्सीजन मान ले, और एक सेकेंड कंटेनर है, वो सेकेंड कंटेनर को हमने कुछ इस तरह से रखा है और दोनों ही ओपन कंटेनर है, दोनों एक दूसरे के साथ यहां पर इस तरह से मिला हुआ है कि ये जगह ओपन है, तो ये एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये है नाइट्रोजन, मान ले ये नाइट्रोजन है। अब अगर इनके बीच वॉल ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, यहां से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ डिफ्यूज कर जाएगा और यहां से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये है डिफ्यूजन। अब देखते हैं एफ्यूजन क्या है। अगर हमारे पास मान ले कंटेनर है और कुछ इस तरह से कि एक थोड़ा सा जगह है, इससे गैसेस मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं और यहां अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जो इस पोर से बाहर निकल जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एफ्यूजन। ये है एफ्यूजन। मैं यहां पर आपको बता दूं कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन एक ही लॉ है, लगभग एक ही लॉ है। सो डिफ्यूजन के लिए ये लॉ जितना एप्लीकेबल है, एफ्यूजन के लिए उससे ज्यादा एप्लीकेबल है ये लॉ, ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो हम लोग जो इस लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, उस डिस्कशन पे हम डिफ्यूजन पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एफ्यूजन पे। आप अपने आप समझ जाएंगे कि डिफ्यूजन के लिए भी वो जो रूल है वो एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं ये बताता क्या है हमें। ये बता रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, तो हम एफ्यूजन मान के चलेंगे, सो रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ अ गैस, एक गैस का एफ्यूजन जो इस तरह से एफ्यूज कर रहा है गैस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। जैसे कि हम अगर कंसीडर करें दो गैसेस, चलिए कंसीडर करते हैं हम H2 एंड O2। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात हो या मॉलिक्यूलर वेट की बात हो, तो हाइड्रोजन के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होगा 2 यूनिट का और ऑक्सीजन के लिए ये होगा 32 यूनिट्स का। तो अगर दो कंटेनर्स हो, एक तो ये कंटेनर जिसमें मान ले कि ऑक्सीजन रखा हुआ है, और ये है दूसरा कंटेनर जिसमें कि हमने मान ले कि रखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी एफ्यूज करेगा यहां से, सो हाइड्रोजन भी यहां से बाहर निकलेगा इस कंटेनर से और ये भी कुछ इस तरह से एफ्यूज करके बाहर निकल जाएगा। सो हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा यहां से, तो इनका जो रेट ऑफ एफ्यूजन है आर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। सो अगर हाइड्रोजन के लिए रेट ऑफ एफ्यूजन हम मान रहे हैं ये है R1 और ऑक्सीजन के लिए ये अगर R2 है, तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले से कि रेट ऑफ एफ्यूजन फॉर हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ एफ्यूजन फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्क्वायर रूट के, तो यहां पर ये M2 होगा और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ M1 होगा। तो अगर आप इवेल्युएट करें तो आप पाएंगे ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इवेल्युएट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैंसिल करेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 16 बचा हुआ रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1, तो ये बन जाएगा 4/1। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम्स हैवियर है, तो हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से इफ्यूज कर जाएगा
आप ऐसे सोच सकते हैं हल्का मॉलिक्यूल है तो जल्दी भाग जाएगा वो, और ये रेट किस पे डिपेंड करेगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करेगा। तो चूंकि ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर है, 16 गुना ज्यादा भारी है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन 4 गुना ज्यादा तेजी से इफ्यूज करेगा। अब इसे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। उससे पहले एक बात ध्यान में रखें कि सेम कंडीशन हो, अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो, तो मोलर मास, जो कि आप मान सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, दोनों बराबर चीज है, सो मोलर मास ये प्रोपोर्शनल होता है इसके डेंसिटी के। ज्यादा मोलर मास तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर और प्रेशर में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन जो है, तो रेट ऑफ एफ्यूजन हम एफ्यूजन मान के चल रहे हैं, सो रेट ऑफ एफ्यूजन, सो यहां मैं लिख देता हूं, हम मान के चल रहे हैं एफ्यूजन को स्टैंडर्ड। सो रेट ऑफ एफ्यूजन जो है, ये अलग अलग गैसेस के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ मास डेंसिटी के, अर्थात उसके डेंसिटी के। तो चलिए इन दोनों केसेस में देखते हैं क्या होने वाला है। यहां हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिडर किया है और यहां हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिडर किया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो रेट ऑफ एफ्यूजन है, ये रेट ऑफ एफ्यूजन, हम अब इसे मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, सो रेट ऑफ एफ्यूजन जो है ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसी भी गैस के जो आरएमएस स्पीड है उसके। देखिए, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, यहां पर इन मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है, और यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किया उनका जो स्पीड है, इन दोनों में से जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो जल्दी इफ्यूज कर जाएगा इस रीजन से। यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने कंसीडर किया, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, रैंडम डायरेक्शन में ही सही, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। वहीं पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है ये तेजी से मूव करता है, बहुत तेजी से मूव करता है। तो इसका जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगा, यहां से रीजन छोड़ के चले जाने की जो बात है, वो रेट ऑफ इफ्यूजन ये हाइड्रोजन के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि इसका स्पीड जो है ये ज्यादा है। सो इसे समझना कठिन नहीं है कि रेट ऑफ इफ्यूजन जो है ये प्रोपोर्शनल होगा इसके स्पीड के, मोर प्रिसाइसली इसके आरएमएस स्पीड के। तो अगर हम दो गैसेस को कंपेयर करें, एक के लिए अगर रेट ऑफ इफ्यूजन R1 है और उसका आरएमएस स्पीड अगर V1 है, उसी तरह से दूसरा अगर हम सैंपल कंसीडर करें जिसका कि रेट ऑफ इफ्यूजन R2 है और आरएमएस स्पीड V2 है, तो ये दो सैंपल्स हो गए। ये पहला सैंपल R1 V1 और दूसरा सैंपल जो है उसके लिए रेट ऑफ इफ्यूजन R2 और आरएमएस स्पीड V2। अब देखें, जैसे कि हमने बात किया, R इज प्रोपोर्शनल टू आरएमएस स्पीड, तो इससे हम कह सकते हैं कि R1 डिवाइडेड बाय R2, चूंकि रेट ऑफ इफ्यूजन प्रोपोर्शनल है आरएमएस स्पीड के, तो ये होगा V1 डिवाइडेड बाय V2 के। अब देखिए, इससे पहले हमने बात किया है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये बराबर होता है 1/3 ऑफ टोटल मास ऑफ गैस इनटू आरएमएस स्पीड जो है, इस आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। तो इससे आगे हम इसे कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि आरएमएस स्पीड जो है उसका स्क्वायर, मैं यहां बता दूं, एक वीडियो में हमने काफी चर्चा किया है इसमें, सो अगर आप इस पूरे डेरिवेशन को देखना चाहते हैं तो यहां सजेस्टेड वीडियोस में मैं उसका लिंक डाल रहा हूं, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सो आरएमएस स्पीड का जो स्क्वायर है ये बराबर होगा 3 इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। तो एक सैंपल में गैस का जो मास है वो m है, वो गैस p प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है और वो v वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसका आरएमएस स्पीड v आरएमएस है। सो हम कह सकते हैं कि आरएमएस स्पीड जो है इसका जो स्क्वायर है ये बराबर होगा
3 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर इस v को आप डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी. सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो आरएमएस स्पीड है किसी भी गैस का, आरएमएस स्पीड इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी. तो फिर इस इक्वेशन से आगे हम कह सकते हैं कि दो गैसेस के लिए जिनके आरएमएस स्पीड v1 और v2 है, तो v1 के लिए हम लिखेंगे ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू प्रेशर. देखिए दोनों ही केस में प्रेशर सेम होना चाहिए, यहां पर फॉर सेम कंडीशन, इन द सेम कंडीशन ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए सेम है. सो दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, तो यहां पर चूंकि प्रेशर दोनों के लिए सेम है तो हम दोनों के लिए प्रेशर पी मानेंगे. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 पी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस. उसी तरह से वी टू जो होगा, वी टू अर्थात सेकेंड गैस का आरएमएस स्पीड जो है ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू प्रेशर, तो वही है पी डिवाइडेड बाय उसका डेंसिटी रो 2. तो अगर यहां से इसे इक्वेशन 1 नाम दे और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के अगर हम इसे इक्वेशन 2 नाम दे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इफ्यूजन जो है R1 डिवाइडेड बाय R2, इक्वेशन 1 देखे दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2, तो V1 के जगह हम ये वैल्यू और V2 के जगह अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखे हमें क्या मिलेगा, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाय रो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाय रो 2. तो आप इवेल्युएट करें तो आप पाएंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 पी और स्क्वायर रूट ऑफ 3 पी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमें मिलेगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ रो 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रो 1. यही तो है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन कि रेट जो है इफ्यूजन का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी.